कंबशन ऑफ, ये जल्दी से कंबशन ऑफ बेंजीन, कंबशन ऑफ CO2 और कंबशन ऑफ H2O बना दो, जल्दी से बना दो, ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। C6H6 प्लस 15/2 O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, कितना 6 CO2 और 3 H2। ये पहली रिएक्शन होगी कंबशन ऑफ बेंजीन। कंबशन ऑफ, अच्छा CO2 H2 तो प्रोडक्ट्स गिवन है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन निकालनी है। हीट ऑफ कंबशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो तुम्हें डेल्टा यू, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालना है, डेल्टा यू। और तुम्हें डेल्टा एच गिवन है, नहीं गिवन है, डेल्टा यू गिवन है। हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली माने डेल्टा यू गिवन है। डेल्टा यू इज इक्वल टू -3269, 3.9। ये भी बात समझ में आई? ठीक है, अब वो बोल रहा है हीट निकालो। हीट नॉर्मल सेंस में क्या होती है? डेल्टा एच। डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन मैंने तुम्हें अभी दिया नहीं, मैं सोचा था बाद में दूं, पर अब क्वेश्चन कर ही लिया शुरू। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT डेल्टा एनजी। ठीक है, डेल्टा एनजी इज चेंज इन गैस मोल्स, तो चेंज इन गैस मोल्स, तो डेल्टा यू कितना है? -3269, 3263.9। ठीक है, आर की वैल्यू बोली है 8.314 लो। टेम्परेचर बोला 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 298। और डेल्टा एन जी लो, चेंज इन गैस मोल्स, H2O बोला है लिक्विड मिला है, CO2 बोला है गैस मिला है, बेंजीन बोला है लिक्विड था, तो ये गैस। तो हम क्या करते हैं, गैस प्रोडक्ट के गैस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैस मोल्स, तो डेल्टा एन जी कितना आया, दैट इज 6 -15/2 -3/2 आया। ठीक है, चेंज इन गैस मोल्स आ गया -3/2, आंसर आएगा इस सबको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो